के स्टूडेंट लाइब्रेरी, लंका गेट रोड पर, यस बैंक के नीचे, बूंदी, राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन स्वीकार करने के लिए यहाँ की जनता एक बार फिर अंदर अस्पताल में 30 बेड को अस्पताल है, उन्हें बाजार 50 बेड को अस्पताल करे जाओ, यह माता जय का जज्बा की मांग है और मुझे विश्वास है कि आप जरूर उन्हें पूरी करेंगे। और दूसरी मांग कि एक महीना पहले आप हिंडोली में बना रहा था और केवल हिंडोली नहीं, उधर तो नैनवा का भी उद्घाटन कार्यक्रम था, क्योंकि चंबल की परियोजना जी को उद्घाटन हिंडोली में हो, उनकी एक तिहाई आबादी नैनवा में भी रह जाए, 1000 करोड़ में से 350-400 करोड़ रुपया ये नैनवा की 19 पंचायत और नगर पालिका में भी लागू हो रहा है। जो दो बड़ी सड़क का आपने उद्घाटन किया वो भी लागेगा, लेकिन एक मांग है कि आप मस वादों कर जाऊंगा कि जनवरी का महीना में नैनवा ने वापस एक बार आप समय देगा और हिंडोली का टक्कर को कार्यक्रम मैं आप लोगों ने नैनवा में कर दिखाऊंगा। बाकी ग्रामीण ओलंपिक को मजबूत बनाए हो, रोटियां तड़के खा रहे हैं, देखो आवाज ना रही, मजबूत बनाए हो आयो तो मैं आप लोगों ने बता दूं कि मुख्यमंत्री जी ने जब उन्हें बने हो तो मुझसे एक बात की, राजस्थान का बेटा और बेटी नाम रखाए पटाड़ो तो सही से और साथ में खिलाड़ो भी से और खेलते खेलते सरकारी नौकरी भी लगानी से। आज 500 से ऊपर खिलाड़ी राजस्थान में सरकारी नौकरी आ चुके, 900 डिवाइस में बढ़ गया, अशोक होटल अगर राजस्थान में नहीं अगर पूरा देश में एकमात्र मॉडल है तो अशोक गहलोत जी का मॉडल है। शेख ने आपने कराया, नौकरी आपने दिलाई, अरे ग्रामीण ओलंपिक के तो मुद्दा ना बताऊं, मुख्यमंत्री जी रखी कि आप अपना फिट राजस्थान और हिट राजस्थान को निर्माण करना, फिट राजस्थान हिट राजस्थान कब होगा जब अपना बच्चा बेटा बेटी बूढ़ा जवान हर कोई खेलेगा जब चार फिट होगा, अच्छा कोई प्रोजेक्ट बना रहा हो भैया बीच में मत बोलो, तो माने कि साहब 3 गेम कराऊंगा 15 लाख लोग खेलेगा और आप बजट में खेल विभाग ने 20 करोड़ रुपया दे दो, बोल रहे मुख्यमंत्री जी का प्रोजेक्ट समझ में आयो, मुख्यमंत्री जी ने की 3 नहीं 6 गेम कराओ, 15 लाख नहीं 30 लाख लोगों ने खिलाओ और 20 करोड़ नहीं 40 करोड़ ले जाओ, लेकिन शानदार आयोजन होनी चाहिए। आज राजस्थान का कोना कोना में खेला को वातावरण वापस बढ़ रहे और निश्चित रूप से जो ही कदम थे जी में फिट राजस्थान और हिट राजस्थान में बढ़ो, तो हम आप लोगों के बीच में ज्यादा ना रहूं, लेकिन एक बार जोरदार नारा लगाऊंगा, हम आज कहेंगे कि ये थोड़ा लोगों को टेंट दूर ला के जिससे थोड़ी आवाज यहां पर कम आ रही है, तो आवाज जब नारा लगाऊंगा तो ये आवाज पार कर जानी चाहिए, घटेगी कि न घटेगी, घट जाऊंगी भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत। एक बार और ये थोड़ा तारू लग रहा है, अभी ये बच्चे बच्चे लग रहे नेता सब मिस वो हो गया लापरवाह, मां की नहीं अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय का। आपके लिए तो हम ये कहते हैं कि गफलत में हो लोग वहाँ ये होश ले आते हैं और जहाँ भी बोलते हैं ये जोश ले आते हैं, ये जोश ले आते हैं। खेलों के लिए एक नया इतिहास रचने वाले खेलों के सम्राट खेल मंत्री अशोक जी चांदना का ये स्वागत उद्बोधन और आप सभी को संबोधित किया, आपने अपने जीवन को जैसा आपने चाहा
वाली ये युवा शक्ति सक्रिय क्षमतावान और ऊर्जावान और लीजिए और इसी क्रम में सादर निवेदन माननीय मंत्री महोदय प्रताप सिंह जी खाचरिया आवास से अपने उद्बोधन के लिए आगे बहुत बड़ी तादाद में उपस्थित सम्मान्य नागरिक बंधुओं माताओं बहनों मेरे नौजवान साथियों प्यारे बच्चों हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे सबके नेता और अब नया इतिहास गहलो सामने रख दिया रख लिया और राजस्थान की जवानी के भी नागरिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष किसान नेता गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब हमारे बीच में उपस्थित आपके लाडले राजस्थान के खेल मंत्री आदरणीय अशोक जी चांदना साहब आदरणीय हरिमोहन जी जिला प्रमुख नाथजी ने महत्व विराजमान सभी नेतागण ब्लॉक अध्यक्ष गण कार्यकर्ता साथियों आज पूरे राजस्थान में जहां भी ग्रामीण ओलंपिक हो रहे वहां हर ग्राउंड में हमारी जवानी सर दर्ज कराई है और यहां भी बहुत बड़ी तादाद में मुझे बहुत अच्छा लगा यहां बच्चियां बहुत अच्छी यूनिफॉर्म में आगे बैठी हुई है इधर भी बच्चियां बैठी हुई है हिंदुस्तान में पूरे में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ग्रामीण ओलंपिक में ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है ना कोई सिख है ना ईसाई है ना कोई बीजेपी है ना कांग्रेस है अशोक गहलोत का एक ही नारा है मेरा पूरा राजस्थान है ये सोच अशोक गहलोत जी ये सोच जब राजस्थान के नेता के मन में है तब जब आपका नेता आपको लड़का समझकर आपको बेटी समझकर आपको बेटा समझकर आपको भाई समझकर सबको पूरी हवा देता है 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग युवा पेंशन देते 50 यूनिट तक बिजली फ्री करते 1.5 लाख लोगों को रोजगार देते बच्चों को बेरोजगारी भत्ता देते यही कारण है कि जब कोरोना आता है गहलोत साहब नारा लगाते हैं कहते हैं कोई भूखा नहीं सोएगा इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होने दूंगा चाहे दवाइयों के लिए और अनाज के लिए मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए लेकिन राजस्थान मेरा परिवार है उसको बचाना मेरी जिम्मेदारी ऐसा मुख्यमंत्री हमारे साथ खड़ा है एक बात देखा लेना दिल्ली से एक नेता आता है हिंदुस्तान का गृह मंत्री अमित शाह आकर चुनौती देता है जोधपुर में जाकर चुनौती देता है और कहता है गहलोत साहब कुर्सी खाली करो हम आ रहे हैं अमित शाह जी कान खोल के सुन लो और देख लो पूरा राजस्थान अशोक गहलोत के साथ खड़ा है दोनों हाथ खड़ा करके बता दो सारे लोग दोनों हाथ खड़ा करके बता दो और दोनों हाथ खड़े करो और मुट्ठी बांधकर मेरे साथ बोलेंगे आप मैं बोलूंगा कि आप हम सब के सारे लोग बोलेंगे कि हम सब अशोक गहलोत के साथ हैं हम सब आप मेरे साथ बोलना हम सब अशोक गहलोत के साथ है ये आवाज मैं किसको सुना रहा हूं पता है मोदी जी सुन ले आप बोलते ही बोलते हो अशोक गहलोत बोलता कम और काम ज्यादा करता है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है बोलने का काम नहीं काम ही काम मोदी सरकार और गहलोत सरकार दोनों को तराजू के एक पलड़े में रख लो और मैं जवाब देता हूं हमारे काम का पलड़ा भारी है और मोदी सरकार के झूठ का पलड़ा भारी है आपने कहा था
15 लाख गरा हारिया ले लो पच्ची ने हारी है अच्छे नहीं आ रहे सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे जो नरेगा लेकर आए गांव गांव में गरीब को रोजगार दिया नरेगा में नरेगा किसने दी कांग्रेस ने 1 रुपए 2 रुपए किलो में आजाद किसने दिया कांग्रेस ने 1 करोड़ 2 रुपए पेंशन किसने दी कांग्रेस ने और हिंदुस्तान में दंगा फसाद जाति धर्म के टकराव किसने दिया भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्यार और प्रेम की बात करती मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा काये का मेरा हेलीकॉप्टर को जुड़े तो जादूगर बैठे जी अंधेरा में भी बढ़ा दिया गया चिंता मत करो राजस्थान के मुख्यमंत्री के जादूगर सिंह को बीजेपी परेशान है उपचुनाव हुआ वल्लभ नगर का बीजेपी की जमानत जाती गलियावन में 3rd नंबर पे गहलोत साहब पूरे राजस्थान में बरसात हुई है बांध भरे पड़े हैं तालाब भरे पड़े हैं खेतों में किसान के चेहरे पर खुशी है जिस राज्य का मुख्यमंत्री का मन साफ होता है तो भगवान भी प्रसाद के रूप में आशीर्वाद देते हैं और वो आशीर्वाद भगवान ने अशोक गहलोत को राजस्थान को दिया है मैं आप सब लोगों से यहाँ जितने भी बच्चियां खड़ी है एक ना खड़ी होकर बैठ जाना गोविंद ने भाषण खत्म करना है गोविंद सिंह डोटासरा साहब हमारे नेता गहलोत साहब बोलेंगे बच्चियां एक साथ खड़ी हो एक बार तुरंत बच्चियां खड़ी होकर बैठ जाना बच्चियां तो लड़कियां एक साथ खड़ी हो जाएंगी सब मेरे साथ नारा लगाएंगी वंदे वंदे अब बैठे हो सब एक साथ सबको एक साथ सब मिलकर मेरे साथ बोलो मुट्ठी बंद करके नारा लगाएंगे वंदे सबको लगाना हाथ में होगा वंदे और जनमानस को संबोधित करने के लिए अगले उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस राजस्थान सरकार राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी राजस्थान के कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब आपके दिलों की धड़कन युवा नेता मेरा छोटा भाई आपका लोकप्रिय विधायक और राजस्थान सरकार में खेल मंत्री अशोक चांदना जी सम्मानित मंच आदरणीय बुजुर्गों युवा साथियों माताओं बहनों खिलाड़ियों पत्रकार बंधुओं सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं और अशोक चांदना जी का विशेष रूप से इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि खेल मंत्री के रूप में इन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल राजस्थान में करने के लिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी जिसका आज नजारा आप देख रहे हो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इस प्रकार के खेलों का आयोजन ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर नहीं हुआ ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को तराशने का अवसर मिला है बच्चों में खेल खेल की भावना में भाईचारे की बढ़ोतरी हुई और आगे बढ़कर के स्टेट लेवल के ऊपर ये बच्चे और बच्चियां जाएंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से हमने आग्रह किया है कि आने वाली नौकरियों में भी स्टेट लेवल के ऊपर विजेता लोगों को बच्चों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए इनको अलग से कोई ना कोई आरक्षण या कोटा मिलना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबके आशीर्वाद से जब से सरकार बनी है एक से बढ़कर के एक फ्लैगशिप योजनाएं अच्छी से अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हमारी सरकार ला रही है आप समझ सकते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना किस प्रकार की योजना है तमाम प्रदेश के लोगों को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का बीमा मिल गया है स्वास्थ्य की गारंटी मिल गई है और ईश्वर ना करे अगर एक्सीडेंट हो गया तो 5 लाख रुपए तक का बीमा मिल गया है ये इस प्रकार की देश में कहीं भी कोई योजना नहीं है आज हमारी माता बहनों को 1,33,00,000 माता बहनों को एंड्रॉइड फोन मिलेगा 3 साल की इंटरनेट सेवा फ्री मिलेगी ये हिंदुस्तान में किसी स्टेट ने कहीं भी नहीं किया
आज शहरों के अंदर जो ग्राम मजदूरों को जो मजदूरी मिलने चाहिए, काम मिलना चाहिए, नरेगा थी गांवों में, लेकिन शहरों में भी इंदिरा गारंटी रोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ कर दिया गया। किसानों के कर्जे माफ किए गए 18,000 करोड़ के, आप सबके ध्यान में है इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली जा रही हैं, गरीब का बेटा भी अंग्रेजी माध्यम में सरकारी स्कूल में निःशुल्क में पढ़ाई पढ़े, कॉलेजें खोली जा रही हैं, सब चीज किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो अच्छी योजनाएं हैं उसका कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहूंगा, आह्वान करना चाहूंगा कि गांव गांव ढाणी ढाणी में जाकर के प्रचार कीजिए और ये तय कीजिए कि हमारी सरकार की लोकप्रिय जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसका लाभ गांव ढाणी में, गली में, मोहल्ले में, खेत में, खलिहान में बैठे व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी में आता है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि वो ज्यादा से ज्यादा गाँव में ढाणियों में बैठ करके जाए और इन सरकारी योजनाओं का लाभ हमको कैसे मिले इस बात को सुनिश्चित करें। अगर हमने ये तय कर लिया कि हमारी अच्छी योजनाओं को हम गांव ढाणी तक पहुंचा देंगे तो 2023 में जीत में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि ये आज समय है जब हम अच्छी गुड गवर्नेंस दे रहे हैं, कोरोना काल में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा बजट दे रहे हैं, अच्छा जब काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता का मान सम्मान रखते हुए उसको आप आगे बढ़ाइए, उसको काम दीजिए और गांव ढाणी में जाकर के बताइए कि ये चिर मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना है, ये 12,000 रुपए कृषि किसान योजना के अंदर आपके कृषि के बिल माफ होंगे, आपको कहीं दिक्कत तो नहीं है, आपके बच्चे के एडमिशन में दिक्कत तो नहीं है, इंग्लिश मीडियम स्कूल की आपको आवश्यकता है तो आप बताइए, खाद्य सुरक्षा का अगर अनाज नहीं मिल रहा तो आप बताइए, अगर आपको निःशुल्क दवा नहीं मिल रही है तो आप बताइए। मैं समझता हूँ अगर ये काम हम कर लेंगे तो जो हिंदुस्तान में अगर सबसे बढ़िया गुड गवर्नेंस और अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं कही है तो राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने दी। मैं चांदना जी के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, चांदना जी जब भी मेरे पास जाते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते एक ही बात कहते हैं कि भाई साहब ये मेरा एक युवा भाई है इसको पीसीसी में जोड़ लीजिए, ये मेरा एक युवा भाई है इसको डीसीसी में जोड़ लीजिए। युवाओं के लेकर अगर कोई काम करने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है तो आपका नेता अशोक चांदना सबसे आगे रहता है, ये मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। निश्चित रूप से काम के मामले में कोई कमी नहीं, लोगों से मिलने में कोई कमी नहीं, व्यवहार में कोई कमी नहीं, हमारी फ्लैगशिप योजनाओं में कोई कमी नहीं, हमारे नेतृत्व में कोई कमी नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में कोई कमी नहीं, तो क्या ऐसी चीज है कि हम 2023 में रिपीट नहीं कर सकते और क्या ऐसी बात है कि हम 2024 में यूपीए सरकार की दिल्ली में सरकार नहीं बना सकते। कमर कस लीजिए, ये भाई रूप में आएंगे, महात्मा जी लोग आएंगे, तरह तरह से धर्म के आधार पर बैठाने की बात करेंगे, इनकम टैक्स चीनी से डराने की बात करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है मोदी जी और अमित शाह जी, हम लोगों ने कांग्रेस के फौलादी लोगों ने हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, तुम्हारी मर्जी है जितना कर लीजिए, हम लोग डरने वाले नहीं है, हम जनता की सेवा करेंगे। जनता ने चुनावों में बैठा करके आशीर्वाद देकर के राजस्थान में सरकार बनाई है, मोदी जी और अमित शाह की मेहरबानी से राजस्थान में न तो सरकार बनी है और न सरकार बची है, उन्होंने तो जितने सदन करने थे कर लिए, लेकिन राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के आशीर्वाद और दुआओं से बनने वाली सरकार इनके आशीर्वाद से बची है और काम कर रही है शानदार। आने वाले समय में 2023 में हम पुनः रिपीट करेंगे आपके आशीर्वाद से। इन्हीं शब्दों के साथ में भाई अशोक जी आप हमें भी बताइए आपने ऐसी क्या कहला है, कल परसों 60-70-80 हजार का आपने प्रोग्राम किया, आज आप 50-40 हजार के लगभग का कार्यक्रम कर रहे हो, ऐसी क्या चीज है, कौन सा फेविकोल है कि जनता और कार्यकर्ता को छोड़ के रखते हो, ये राजस्थान के तमाम लोगों को बताइए जिससे आने वाले समय में हम 2/3 मेजोरिटी से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय का। और एक कल्याणकारी राज्य में एक रिश्ता होता है जन और जन प्रतिनिधि का। हमारे समझ मंच क्योंकि टाइम अभी रहा है सिर्फ 12 मिनट का, हेलीकॉप्टर का टाइम होता है उन्हें का, मैं भी जाता हूँ आपके अभी तो बच्चों ने और फैमिली करनी है आकर के मैच में। मुझे खुशी है कि
इतनी बड़ी तादाद में जो जन सदा उम्र पड़ा है, ये राजीव गांधी ग्रामीण खेलों का जो पहल हुई है, मुझे खुशी है प्रदेशवासियों ने उसको कामयाब किया। उसके लिए मैं तमाम प्रदेशवासियों को, विशेष रूप खिलाड़ियों को, कोचेज को, पीटीज को, सबको धन्यवाद देता हूँ। सेकंड विभाग तो ही है, जो शिक्षा विभाग हो, खेल विभाग हो, ग्रामीण विभाग हो, मध्य विभाग हो, किसी प्रकार प्रशासनिक मशीनरी ने भी कामयाबी किया है इस पूरे खेल को। ये अपना अपना अद्भुत है, जो मेरे पूर्वोत्तर बता चुके हैं कि देश में एक नई पहल हुई है। हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश का नाम दुनिया में हो, ओलंपिक में हो, एशिया में हो, कॉमनवेल्थ में भी हो। हम तरसते हैं मेडल के लिए ओलंपिक के अंदर भी। छोटे मुल्क कोरिया, वियतनाम, जापान, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना का पहुंच जाते हैं। ये पहल राजस्थान की रंग आएगी आने वाले वक्त के अंदर। खिलाड़ियों को हमने आरक्षण दिया है नौकरियों के अंदर, आउट ऑफ टर्न नौकरी दी 229 बच्चों को जो अवार्ड जीत के आए थे। पेंशन का प्रोविजन कर दिया गया है कोचे के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी। अवार्ड की राशि बढ़ा दी गई है, 40-50 लाख, 60 लाख मुश्किल से मिलते थे, अब हमने 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ राशि दे रहे हैं। गोल्ड में, सिल्वर में, ब्रॉन्ज में। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में टैलेंट है, कमी नहीं है टैलेंट का, उनकी खोज हो रही है मैचों के माध्यम से। तलाशेंगे उनको, अच्छे कोच देंगे, अच्छे फील्ड देंगे। हर पंचायत में खेल के मैदान बने राजस्थान के अंदर, दिल्ली में अच्छे मैदान बने, स्टेडियम बने, इंडोर आउटडोर गेम्स के हो। खेल में राजस्थान सरकार आगे बढ़ना चाहती है और मुझे उम्मीद है कि जो माहौल बना दिया गया है, अशोक चांदना की सूट पूछती पिछली बार एक साल पहले इतने स्टेडियम के मैच कर रहे थे स्पोर्ट्स के ऊपर, उन्हें जाने का मौका मिला। बहुत शानदार आयोजन था, आजादी के बाद पहली बार हुआ। और अभी इसकी जो सोच थी ग्रामीण खेलों की, ये अशोक चांदना की सोच थी, कमाल हो गया। पूरा राजस्थान में 30 लाख खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं, 10 लाख महिलाएं हैं, दादा पोत्र खेल रहे हैं एक साथ में, बुजुर्गों की और युवाओं की टीम खेल रही है आपस के अंदर, बच्चे खेल रही है खो खो हो, वॉलीबॉल हो, या चाहे वो आप कबड्डी हो, कितने ही अच्छे खेल खेल रही है। अगली बार तो मैं समझता हूँ डबल ट्रिपल संख्या हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा प्रदेशवासी का संकल्प हो गया है, ग्रामीणों ने खूब हौसला दे करी बच्चों की। आने वाले वक्त के अंदर हम लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ के बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा बने, वो खेल के मैदान में संभव है। चेंज योजना के भी बताया दूसरा जगह आपको, हिंदुस्तान में कहीं नहीं 10 लाख का बीमा, और किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट का अगर 15-20 लाख लगते हैं, 10 लाख के अलावा उस परिवार को 15-20 लाख का इलाज भी सरकार करवाए, ऐसी स्कीम कहीं नहीं। दक्षिण का बीमा अलग है, और 1,35,00,000 महिलाओं को हर परिवार में एक स्मार्टफोन में 3 साल की इंटरनेट सेवा वो मिलेगी, वो इसका काम आएगी आपके बच्चों के ऑफलाइन पढ़ाई करनी हो, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम तरह जानकारी गूगल के माध्यम दे सकते हैं। तो राजस्थान में राहुल गांधी का जो यात्रा चल रही है, इसका भी मकसद है। वो तो खुद नौजवान है, वो चाहते हैं कि देश में शांति सद्भावना कायम रहे, और किस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी कम हो, वो मुताला के नौजवानों के सामने इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा। हमारा मकसद सकारात्मक राजनीति करने का है। आपने सरकार बनाई, आप निश्चिंत रहे, हमने गुड गवर्नेंस देने का प्रयास किया है। हमारी हर स्कीम ये मिसाल है। हमने कर्मचारियों में जाने का ओपीएस जो दिया है, माननीय दृष्टिकोण जो दिया है, ओल्ड एज पेंशन, आरडीएसएस दिया है कर्मचारियों को, अनलिमिटेड इलाज का खर्चा, चेंजिंग के अलावा वो उनके लिए किया है। तो पानी की योजना है, चाहे वो ERCP हो, लड़ाई जारी है केंद्र के साथ में। हमारी मोदी जी को रिक्वेस्ट करें बार बार
याद दिला रहे जयपुर अजमेर की मीटिंग आप नाची पीढ़ी में घोषित करो जिससे कि 13 जिलों का लाभ मिल सके, 2 लाख की सीधे की सुविधाएं भी किसानों को बढ़ सके। तो तमाम काम आपके सामने हैं। अभी वर्षा बहुत ज्यादा हुई है झालावाड़ में, बारा में, कोटा में, बूंदी में, धौलपुर में, करौली में। मैं खुद जाके आया हूँ। हमने कहा गिरदावरी जल्दी शुरू हो, गिरदावरी चल रही है। हम चाहेंगे किसानों को जल्दी एडीआरएफ से राहत मिले, तो किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करने का प्रयत्न कर रही है। अच्छी फसलें हुई है इसमें, मुझे रानी 76 साल में अच्छा मान रहा है राजस्थान के अंदर, और किसान को खुशहाल हुआ है। अच्छी फसलें हुई है, कुछ जगह नुकसान भी हुआ है। हमारी सीजी योजना में 5 लाख का बीमा भी शामिल है, कई बच्चे डूब गए थे उनको 5 लाख का बीमा मिल गया। तो कहने का मतलब है कि पानी की योजना हो, बिजली में किसानों के लिए हम अलग बजट लेके आए थे आपको मालूम है इस बार, और किसानों का अलग बजट जो आया है उसके कारण से हमने डबल कर दिया है धनराशि उनके लिए। उनको 1,000 रुपये प्रतिमा दे रहे हैं बिजली का जो भरपाई करने के लिए। आपको जाकर खुशी होगी 50 यूनिट हमने उपभोक्ताओं का समाप्त किया है, उसके कारण से 45 लाख परिवार ऐसे राजस्थान हो गए हैं जिनके बिजली का 0 बिल आ रहा है। तो बिजली में, पानी में, शिक्षा में कॉलेज खोले हम लोगों ने, कोई कमी नहीं लगी। 500 लड़के जो होंगे वहाँ कॉलेज खोल दी जाएगी, ये हमने घोषणा करी है। 90 कॉलेज खोल चुके हैं लड़कियों की, तो शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। जो मांग रहे हैं एमएलए साहब कॉलेज दे रहे हम सब जगह पर, तो शिक्षा में भी आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का मुकाबला नहीं, राजस्थान देश के अंदर राइट टू हेल्थ बिल आ रहा है जल्दी, मुझे उम्मीद है कि जल्दी बिल पास होगा तो हर व्यक्ति को अधिकार मिले। जैसे मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो अधिकार दिया था नरेगा का, फूड सिक्योरिटी का, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल, राइट टू एजुकेशन का दिया था अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया था सूचना का अधिकार, उसी पे हम चाहते राइट टू हेल्थ अधिकार मिले हर व्यक्ति को। कम से कम आज स्वस्थ रहे आदमी, सरकार की जिम्मेदारी है उनका इलाज करवाए, उनको दवाइयाँ, सारे टेस्ट हमारे फ्री, सीटी स्कैन फ्री करें हम लोग। इस प्रकार से सब चित्र आगे बढ़ रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी है, ये भी कहना चाहूँगा 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, डिसेबल्ड को। तो हमारा टारगेट है कि राजस्थान में सोशल सिक्योरिटी में हम लोग शेरबोर्ड बने देश के अंदर। इस प्रकार मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, कहने को बहुत सारी बातें हैं और क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं माफी चाहता हूँ। अभी मैं आगे गया था हिंडोली के अंदर, सब बातें मैं कह चुका हूँ, वहाँ पे भी आप अखबार पढ़ते हैं, मेरे विचार सुनते हैं, सब लोग साथ चले प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग, सभी हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। जिस घर में शांति होती है उस घर वो आगे बढ़ता है, कोई गांव के लिए, प्रदेश के लिए लागू होती है योजना, देश के लिए। हम चाहते हैं कि देश भर में हम लोग एक माहौल बनाए जिसके लिए राहुल गांधी निकल पड़े हैं। और यही बात कहता हुआ जो कई में अशोक चौहान जी मांग करी है 30 बेड का अस्पताल 50 बेड करने का, बड़ा कर 30 बेड का अस्पताल 50 बेड करने का है, उसकी मैं घोषणा करता हूँ, आपकी भावना देखते हो जाएगा। नंबर 2 व्यापारियों के लिए भी पत्र दिला रहे हैं, नैनवा कृषि गौण मंडी के लिए भूमि आवंटन तो हो चुकी है, ये पत्र आप कुछ दे दीजिए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। यही बात कहता हूँ मैं आप सबको, बहुत बधाई देता हूँ, मेरी शुभकामनाएं, बच्चों का आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। और यूं कहें माननीय मुख्य मंत्री महोदय के लिए कि महात्मा गांधी के विचारों की सरसराहट बांटते हैं, युवा सपनों में हकीकत की आहट बांटते हैं, यूं निभाकर प्रदेश प्रधान की जिम्मेदारी आप जन जन को मुस्कुराहट बांटते हैं। नैनवा कृषि गौण मंडी के लिए 50 बीघा भूमि का आवंटन प्रपत्र और व्यापार मंडल को प्रदान पत्र, और कबड्डी के मैदान पर दोनों महिला वर्ग की टीमें अतिशीघ्र तैयार हो जाए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जबकि सामने जो कबड्डी की टीमें हैं, बालिका वर्ग की टीमें हैं, ग्राम पंचायत बुढ़ा देव जी और ग्राम पंचायत सादेड़ा की ये दोनों टीमें।
महिला वर्ग ग्राम पंचायत गोड़ा देव जी और ग्राम पंचायत सालेड़ा की ये महिला वर्ग की टीमें जिनका कबड्डी का ये फाइनल मैच और माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस मैदान पर पहुंच चुके हैं इस मैच का शुभारंभ करने के लिए। मैच रेफरी मैच ऑफिशियल्स मैदान पर उपस्थित। जी हाँ, खेल का ये महाकुंभ जो 29 अगस्त से प्रारंभ हुआ आने वाले 6 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय मैच होगा, जबकि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ग्राम पंचायत गुड़ा ग्राम पंचायत सातेड़ा की टीमों का ये मैच का ये महिला वर्ग का फाइनल मैच जो कि ग्राम पंचायत गोड़ादेव जी महिला वर्ग और सागरा के मध्य इस मंच के सामने इस खेल मैदान पर दोनों ही महिला वर्ग की टीमें तैयार हैं रेड देने के लिए। उत्साह वही उमंग वही वही जोश जिसकी कल्पना करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि महाकुंभ आरंभ किया था। महाकुंभ राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप प्रदेश भर की 11,341 आवाज और मैच प्रारंभ हो गया बुद्धदेव जी और सालेड़ा महिला टीमों के मध्य। जोश की जुबान की यहाँ देखने को मिल रही है, संपूर्ण राजस्थान में गांव गांव भाड़ी भाड़ी यही जोश देखने को मिला। एक नहीं दो नहीं तीन तीन पीढ़ियों ने इस खेल में हिस्सा लिया, कहीं दादाजी पिताजी और बच्चों ने महाराज निसंदेह हम कह सकते हैं कि इन महिलाओं में इन खिलाड़ियों में वो जुनून है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। आसमान पर छूटी हुई ये महिला खिलाड़ी जो कि रहने वाली इस धरा पर ये फाइनल मैच कबड्डी का ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का समापन समारोह के अवसर पर खेल रही है। वो हो कबड्डी वॉलीबॉल हॉकी शूटिंग बॉल और टेनिस बॉल ये 6 प्रतियोगिता है। टेनिस बॉल क्रिकेट ये 6 प्रतियोगिताएं प्रदेश भर में आयोजित की गई। लगभग 30 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने विभिन्न स्थानों पर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 2 लाख से अधिक टीमें बनाई गई और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वो पंक्तियां कि ना थके कभी पैर न कभी हिम्मत हारी है हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का और इसलिए अभी भी सफर जारी है युवा शक्ति के लिए ये प्रेरणादायक पंक्तियां। जी हाँ, हम समझ सकते हैं कितना हौसला कितना जोश। आभारी है हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कि यही जोश आपने पहुंचा दिया गांव गांव भाड़ी भाड़ी हर चेहरे पर। यूं कहें कि खेलों से सौहार्द है तन मन का विकास है। आपके आशीर्वादों में सच की रोशनी है हौसले का उजास है हौसले का उजास है। बहुत सुंदर प्रदर्शन ग्राम पंचायत गोड़ादेव जी और सागेड़ा महिला वर्ग का ये मैच। शैक्षणिक नगरी कोटा की तरह बूंदी भी शैक्षणिक इकोसिस्टम की ओर अग्रसर हो रहा है। लाइब्रेरी संचालक पंकज गौतम ने बताया कि इस लाइब्रेरी में स्टूडेंट को हर वह सुविधा मिलेगी जो शिक्षा का स्तर सुधारने में अनुकूल माहौल देगी। लंका गेट रोड पर यस बैंक के नीचे बूंदी राजस्थान।